वाली हूँ दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ आपके हैदर ईश और आप देख रहे हैं हैदर शो। दोस्तों मैं देख रहा हूँ आजकल की हमारी सोसाइटी में और हमारे एशिया के ज़्यादातर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मायूस हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार। मैंने सोचा दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी सुनाऊँ एलिना इसिनबायेवा की। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है हमारी ओलंपिक 2004 से। आप किसी मकाम पर पहुँच जाते हो तो आपको उसको बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या हुआ इसके साथ वहाँ पर 2004 में एक कंजेकटिव 3 दफ़ा फेल हो गया। आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोशिश करती रही कि एक दफ़ा जंप करा इसने और सेम लेवल पर, ये भी नहीं कि इसने अपना बार हाई कराओ। अब इसको जीतने के लिए एक चांस था कि अपना बार ये हाई कर दे। ये क्या करा इसने, जब 3 बार गिर गई, टकरा गई, आप ये देख रहे हैं उसको, वो नहीं संभल पाई। लेकिन उसने क्या करा, इसकी एज भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये बहुत मैच्योर 22 साल की एज में ये ओलंपिक्स में 2004 एथेंस में जो ओलंपिक्स थे वहाँ पे कॉम्पीट कर रही है और अपने आप को अपना टाइटल बचाने के लिए कॉम्पीट कर रही थी। लेकिन इसने हमारी तरह या हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरह गिव अप नहीं करा। इसने क्या करा, इस बार को हाई कर दिया, बल्कि अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज़्यादा हाई कर दिया। जो इसका रिकॉर्ड था मेनटेन, उससे ज़्यादा अपना बार हाई करा और उसके बाद ये ट्राई लगाई जम की। अब ये देखना था कि अगर इसके बाद भी ये फेल हो जाती तो क्या हो रिस्पॉन्स आता। लेकिन क्या हुआ कि उसने एक आखिरी कोशिश की, एक आखिरी अपनी ज़िंदगी की जंप ली, कि उसने कोशिश करी कि मैं एक दफ़ा ये जंप लूँ और इसको ख़त्म करूँ। तो उस दिन हार जाती तो उसका दोस्तों मोराल डाउन हो जाता। लेकिन क्या हुआ, उस दिन उसने एक आखिरी जंप ली अपनी ज़िंदगी की और वो उसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो कामयाब हो गई। और ऐसे ही दोस्तों हमें भी करना चाहिए, जब हमारे सामने कोई हर्डल आया उसमें हम बार बार फेल हो रहे हो, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे। संदीप महेश्वरी का याद है ना, वो जो अपनी वीडियो में बताते हैं कि एक आपकी लाइफ जो एक ओवर की तरह है, जब आपके सामने एक बॉल आ रही है और आप बैट्समैन खड़े हो, वो मिस हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल आएगी, वो भी मिस हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल आएगी। इस तरह से अगर 5 बॉलें मिस हो गई आपसे, आपके पास जो लास्ट 6 बॉल है अगर आपने उस पर हिट कर दिया 6, तो आपकी जो 5 बॉलों का खसारा था वो पूरा हो गया। तो अपनी उस बॉल का इंतज़ार करें, कभी भी डिसहार्ट नहीं हो, अपना डिप्रेशन में नहीं जाएं, हमेशा कोशिश करें, कोई बात नहीं, अच्छी बुरी वक्त आता रहता है इंसान की ज़िंदगी में, हमेशा आगे बढ़ते जाएं। बस अपनी यूथ को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जो हमारे बच्चे हैं डिप्रेशन का शिकार हैं या उल्टी सीधी हरकतों में पड़ जाते हैं, तो उनसे उनके लिए बेहतर है कि वो इन सब कामों से छोड़ के इसमें आएँ और उनको देखें एथलीट्स किस तरह से हारने के बाद अपने आप को रिकवर करते हैं और किस तरह से लड़ते हैं उस माहौल से, उस हालात से। तो मैं भी ऐसे लड़ना होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे अच्छी वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर शो। अल्लाह हाफिज़।